जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर का शासन के निर्देश पर वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए 15 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जाँच भी की जा चुकी है और पाया गया कि सभी आवेदन सही है। जिलाधिकारी की तरफ से यह कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है, जिससे वह लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्ड के बन जाने से इन 15 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, जिससे उपचार में खर्च से राहत मिलेगी। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पुलिस विभाग में सुरक्षा सेल, जिला हॉस्पिटल में अलग से वार्ड उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, नगर निगम के द्वारा अलग से शौचालय उपलब्ध करवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, देखिए टोटल अभी तक यहाँ कार्यालय के पोर्टल पे 15 आवेदन प्राप्त हुए थे और 15 का परीक्षण करने के बाद पाया गया कि ये सभी सही हैं। जिलाधिकारी महोदय की ओर से ये कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं उस पे ऑनलाइन, जिसे कि वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या लाभ है कार्ड? आयुष्मान कार्ड इसका सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि इनको तमाम प्रकार के अपने उपचार में जो खर्च आते हैं उससे, उसका वहन जो करना पड़ता है इनको व्यक्तिगत स्तर पे, उससे ये लोग बच जाएंगे। और तमाम विभागों को भी जिलाधिकारी महोदय की ओर से निर्देशित किया गया है, जैसे पुलिस विभाग में इनके लिए सुरक्षा सेल स्थापित करने की बात की जा रही है, इसके बाद जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड एक उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, प्रयागराज में इस तरह की एक पहल की जा चुकी है, नगर निगम में भी इसको भी निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय की ओर से इस आशय के साथ कि अलग से इनके लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाए।